कॉमिक्स का रिवीजन सीरीज का ये लेसन चल रहा है रिवीजन सीरीज में हम अपना क्या कर रहे हैं अपना मार्केट स्ट्रक्चर का कंसेप्ट लेके आए हैं उसमें से अभी तक हमने लेक्चर नंबर वन कर लिया है मार्केट स्ट्रक्चर में जिसमें जिसमें हमने मार्केट और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था आज का हमारा लेक्चर नंबर टू है इस लेक्चर नंबर टू में हम मार्केट स्ट्रक्चर के पहले वाले पार्ट को दैट इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन को समझेंगे और उसका क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है वो पढ़ेंगे ठीक है ये कोर्स कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट

परफेक्ट कंपटीशन को अगर हम अलग रख दें तो ये जो तीनों मिलते हैं मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली और मोनोपोली इट इज नोन एज इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड ये जो कंसेप्ट है ना इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो कंसेप्ट है बेटा इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो कंसेप्ट है वो बेटा कौन लेकर आया था वो प्रोफेसर चैम्बर लिन लेकर आए थे चैम्बर लिन एक प्रोफेसर थे उन्होंने इम परफेक्ट का कंसेप्ट लेकर आए थे प्रैक्टिकल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन अवेल नहीं करता ये याद रखना हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है प्रैक्टिकली हम जो अब जिस भी मार्केट में जाते हैं हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर में डीलिंग करते हैं ठीक है तो हमेशा याद रखना मार्केट स्ट्रक्चर दो तरीके के होता है एक होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन और एक होता है इम परफेक्ट कॉम्पटिशन इम परफेक्ट में ये तीनों आते हैं मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली बात क्लियर हुई है और ये जो इम कंपटीशन का कंसेप्ट था कौन लेकर आया था चैंबर लेकर आया था क्लियर ओके okay. आगे देखें पहला है हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हम पहले परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से स्टार्ट करेंगे अब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज वन इन विच द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज वेरी लार्ज पहला बात क्या है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स क्या होते हैं बेटा लार्ज होते हैं बहुत ज़्यादा बायर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं बायर्स और सेलर्स करते, करते, करते हैं क्या खरीद बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं क्या होमोजीनियस प्रोडक्ट को होमोजीनियस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है कि जो फॉर्म ए बेच रही है वही प्रोडक्ट वही सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बी बेच रही है वही सिमिलर प्रोडक्ट फॉर्म सी बेच रही है तो दैट इज अगर मैं पेन की बात करूँ तो पेन का नाम फॉर्म ए का है तो फॉर्म ए पेन का नाम पेन का नाम फॉर्म बी का है तो फॉर्म बी बट पेन जो है उतना ही साइज़ का पेन फॉर्म ए बनाती है और उतना ही साइज का फॉर्म पेन फॉर्म बी बनाती है पेन की क्वालिटी जो फॉर्म ए बनाती है <coughs> वही सेम क्वालिटी है फॉर्म बी की कलर सेम क्वांटिटी सेम सब कुछ सेम उसे बोलते हैं होमोजीनियस ठीक है बाय नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स लार्ज ऑल आर बाइंग एंड सेलिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन दैट इज फ्री एंट्री एंड एक्सिट फॉर ऑल फर्म इस मार्केट स्ट्रक्चर में कोई भी नई फर्म आ सकती है और कोई भी पुरानी फर्म जा सकती है कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एंड पोजेसिंग परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट एट अ टाइम एक बात बताओ जब एक मार्केट में आइडेंटिकल प्रोडक्ट है एक ही तरीके का प्रोडक्ट बिकता है सारी फर्म्स एक ही तरीके का प्रोडक्ट बेचती है तो नॉलेज क्या होगी परफेक्ट नॉलेज होगी जब मेरे को या तो मुझे ऐसा हो कि अच्छा सोप में डव भी आता है लक्स भी आता है अच्छा लक्स का प्राइस कितना है लक्स में आलमंड वाला भी आता है रोजेज वाला भी आता है डव में आ, आपका आलमंड का भी आता है सैंडलवुड का भी आता है ये सब याद करने के लिए उसको कहते हैं नॉलेज इम्परफेक्ट है इतना सब कुछ याद नहीं रखा जा सकता बट जब एक ही तरीका का प्रोडक्ट है कलर सेम सब कुछ सेम उसके लिए आपको पूरी क्या होती है बेटा परफेक्ट नॉलेज होती है परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें कंप्लीट एब्सेंस होती है राइवलरी की अमंग द इंडिविजुअल फॉर्म्स मुझे एक बात बताओ जब सारी फॉर्म्स एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रही हैं तो क्या हम एक दूसरे से लड़ेंगे कंपटीशन होगा बिल्कुल नहीं होगा दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिखा है एब्सेंस है राइवलरी राइवलरी मतलब कंपटीशन कॉम्पिटिटर्स ही नहीं है जब एक ही तरीके का सब कुछ बिक रहा है प्रोडक्ट तो कॉम्पिटिटर्स कहाँ कॉम्पिटिशन वहाँ आकर करता है कि बेटा जहाँ पे आप कंपैरिजन कर सको कि ये फर्म का प्रोडक्ट ऐसा है और इस फर्म का प्रोडक्ट ऐसा है लक्स ऐसा है और डव ऐसा है यू कैन कंपेयर कि हाँ डव में जो है वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम डालता है मिल्क डालता है बट जब पेन जो है वो एक ही तरीका का पेन बन रहा है ये भी नहीं पता चल रहा कि कौन सा स्मूथ चल रहा है क्या है कुछ भी नहीं है सब कुछ सेम है तो हाउ यू कैन कम्पेयर दैट इज़ एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें इन इनमिच ऑल फर्म्स इन एन इंडस्ट्री आर प्राइस टेकर्स ये क्या लिखा है एक बात बताओ जितनी सारी फर्म्स होती हैं वो एक ही तरीके का प्रोडक्ट बेचती हैं तो क्या ये ए फर्म दस रुपये का बेचेगी और बी फर्म पंद्रह का बेचेगी पॉसिबल ही नहीं है जब प्रोडक्ट में कोई चेंज ही नहीं है किस बात के आप पाँच रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो तो सारी फर्म्स जो होती हैं वो प्राइस टेकर्स होती हैं और इंडस्ट्री क्या होती है प्राइस मेकर होती है इंडस्ट्री होती क्या है कलेक्शन ऑफ फर्म सारी फर्म्स मिलकर एक इंडस्ट्री बनाती है इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है सारी फर्म्स मिलकर प्राइस को डिसाइड करती है और जो फर्म्स होती हैं इंडस्ट्री में वो प्राइस टेकर होती है जो इंडस्ट्री में प्राइस सेट हो गया उसी प्राइस पे हर फर्म को बेचना है प्रोडक्ट को तो ऑल द फर्म्स सेल एट अ यूनिफॉर्म प्राइस यूनिफॉर्म प्राइस मतलब एक ही प्राइस पे और फर्म्स इन एंड फर्म्स अगर आपसे पूछा जाएगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म्स क्या होती है प्राइस टेकर होती है सॉरी <laughs> <I'm... laughs> हाँ सारी फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बेटा प्राइस टेकर्स होती हैं बट जो इंडस्ट्री होती है, है परफेक्ट कंपटीशन की वो क्या होती है प्राइस मेकर होती है ठीक है ये करेक्टरिस्टिक्स ही हैं जो हमने अब उसकी डेफिनेशन में पढ़ी ठीक है बात क्लियर है कि परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है परफेक्ट कॉम्पिटिशन डजेंट मीन्स दैट परफेक्ट कॉम्पिटिशन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मीन्स दैट द लेवल ऑफ द लेवल और द डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन इज नील कॉम्पिटिशन तो होता ही नहीं ना राइवलरी तो है ही नहीं नंबर ऑफ बायर्स हैं ज़्यादा सेलर्स भी ज़्यादा है बट दे आर सेलिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट क्योंकि वो यूनिफॉर्म प्राइस पे बिक रहा है तो कंपटीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता और कोई भी फॉर्म आ सकती है और कोई भी फॉर्म जा सकती है बात क्लियर हुई ठीक है जी आज हम इसका करेक्टरिस्टिक्स भी करेंगे करेक्टिस्टिक्स में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे क्या करेक्टरिस्टिक्स है दीज आर द दंडीशन फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन कि कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करता है पहला पॉइंट क्या है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मैंने पहले बताया जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि नंबर ऑफ बायर्स और जो सेलर्स हैं वो इतने लार्ज हैं दैट नन ऑफ द एम इंडिविजुअली इज़ इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड द आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री एज अ होल इनमें दोनों में से कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो इस पोजिशन में हो कि वो प्राइस और आउटपुट को हिला दे इंडस्ट्री की जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है ठीक है इसमें ए सेलर है बी सेलर है सी सेलर है डी सेलर है ई e सेलर है एफ सेलर और जी सेलर है ठीक है अब बी ने क्या मन किया बी का कि बी कह रहा है मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ तो बी बाहर हो गया सर्कल के अभी जो टोटल आउटपुट बन रहा था वो सारे फॉर्म्स टोटल आउटपुट बेच रहे थे इंडस्ट्री का अगर टोटल आउटपुट की बात करें कि, कि कितना प्रोडक्शन हो रहा था तो ये सारी फॉर्म्स बना रही थी अब बी चली गई तो टोटल आउटपुट आज भी इफेक्ट नहीं करेगा क्यों क्योंकि एक है कि मैं थोड़ा बह और बना लेता तो, हूँ हर फर्म क्या चाहती है कि प्रोडक्शन में ज़्यादा करूँ और सेल भी ज़्यादा हो सी भी थोड़ा ज़्यादा बना लेगी ई भी ज़्यादा बना लेगी जिससे बी ने जो लॉस किया बी का जो आउटपुट लॉस हुआ वो बेटा दोबारा से सारी फर्म्स क्या कर लेंगी रीगेन कर लेंगी क्योंकि तो इनको पता है कि जितना प्रोडक्शन होगी जितना सेल होगी उतना प्रॉफिट मिलेगा इसका मतलब है कोई भी फर्म जब जाती है ना तो वो कभी भी टोटल आउटपुट को इफेक्ट नहीं करके जाती किसी भी फॉर्म में इतनी ताकत नहीं कि वो टोटल आउटपुट को इफेक्ट कर दे वैसे ही सिमिलरली ये सारे क्या हैं बायर्स हैं अगर कोई भी सिंगल बायर कहे कि मैं तो छोड़ के जाना चाहता हूँ मैं डिमांड ही नहीं करूँगा तो अब भी टोटल डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ई हो सकता है ज़्यादा डिमांड कर ले ए हो सकता है ज़्यादा डिमांड कर ले मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी सिंगल सेलर के जाने से इंडस्ट्री के आउटपुट पे इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि देर आर नंबर ऑफ सेलर्स हो सकता है ये सेलर जा रहा है तो नई फॉर्म आ जाए वैसे ही इतने बायर्स हैं कि किसी भी एक सिंगल बायर के जाने से प्राइस या आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ता डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्यों क्योंकि तो इतने बायर थे कि एक बार जाएगा तो दूसरा बायर आ जाएगा बात क्लियर हुई है तो यही चीज़ लिखी है कि नन ऑफ देम किसी में भी इतनी पावर नहीं है कि वो प्राइस और आउटपुट को इफेक्ट कर सके ठीक है द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल बायर रिलेटेड टू द टोटल डिमांड इज सो स्मॉल एक सिंगल बायर की जो डिमांड होती है टोटल डिमांड के पोर्शन में ये टोटल डिमांड का पोर्शन है उसकी इतनी सी डिमांड होगी क्योंकि तो इतने सारे बायर्स हैं ना सबकी बायर्स की सबकी डिमांड सब बनाकर एक सर्कल बनेगा बट अगर एक सिंगल बायर की बात करूँ तो सिंगल बायर की एक पॉइंट वाली डिमांड है बैट समझ आई डिमांड एक सिंगल बायर की रिलेटिव पूरे टोटल डिमांड में वो इतनी स्मॉल है कि वो प्राइस को प्रोडक्ट के इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता कभी कभी हमें लगता है ना कि डिमांड कम हो गई और डिमांड को फिर से वापस से रिगेन करने के प्राइस को कम करना पड़ेगा तभी तो लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे यहाँ पे एक बायर की डिमांड के कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस पे क्योंकि इतने बायर्स हैं टोटल डिमांड ही इतनी है कि एक बायर की डिमांड से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा चल छोड़ चला जाए सिमिलरली सप्लाई एक इंडिविजुअल सेलर का एक स्मॉल स्मॉल पोर्शन है टोटल आउटपुट के दैट ही कैन नॉट वैसे ही सिंगल सेलर के जाने से वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्रोडक्ट के प्राइस को या टोटल uh, आउटपुट को बाई हिज एक्शन अलोन अकेले वो कुछ भी नहीं कर सकता सारे सेलर्स मिलकर भाई इंडस्ट्री वाली बात आ गई ना सारे सेलर्स क्यों पागल है थोड़ी हैं कि अब अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे ही नहीं तो कहने का वही मतलब है कि डिमांड ऑफ अ सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वैसी सप्लाई ऑफ द सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कोई भी सिंगल सेलर के पास पावर नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस करे इसी वजह से मेन करेक्टरिस्टिक्स है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं बात क्लियर हुई है ओके सो थैंक यू सो मच काइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए और अगर पसंद आएगी तो आपको पता है लाइक करना है शेयर करना है और कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है जिससे वो लोग भी पढ़ सकें और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए अच्छे से पढ़ते रहिए